अंग्रेजी मीडियम बहुत जल्दी बड़े पर्दे पर आने वाली है, जिसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं इरफान खान। उनके साथ नजर आएंगी करीना कपूर खान, दीपक डोबरियाल और राधिका मदान। इस फिल्म के कुछ एक्सक्लूसिव ट्रिवियाज हैं जो हम आप तक ला रहे हैं। जैसे सबसे पहले, ये फिल्म है सीक्वल हिंदी मीडियम का, जो रिलीज हुई थी 2017 में। इस फिल्म में पहली बार करीना कपूर खान प्ले कर रही है एक पुलिस वाली का किरदार। शी इज प्लेइंग अ कॉप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। This is the very first film for which Irfan Khan started shooting after being diagnosed from neuroendocrine tumor. Kareena Kapoor ke liye jana jata hai ki wo apne long hairs ki wajah se koi bhi aisa role nahi karna chahti jisme unhe baal kaatne pade, specially like a role of a cop. Lekin pehli baar unhone apne बालों को चॉप ऑफ किया है अपनी वेस्ट लेंथ से कुछ इंचेस कम करके शोल्डर्स और कॉलर बोन तक भी, और इस फिल्म में वो एक अलग लुक में नजर आने वाली हैं। शी लुक्स ग्रेट विद द शॉर्ट हेयर एंड शुड कीप इट और इवन स्निप फ्यू मोर इंचेस ऑफ। इरफान खान ने इस फिल्म में रिलीज के पहले अनाउंस किया था कि वो फिल्म को प्रमोट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू हिज मेडिकल कंडीशन एंड ऑनगोइंग ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। इस फिल्म की कास्टिंग के लिए एक वक्त ऐसा भी आया था जब शाहरुख खान और काजोल का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि क्योंकि हिंदी मीडियम में खुद इरफान खान थे तो वो ये फिल्म इरफान के साथ ही बनाना चाहेंगे। 13 मार्च 2020 को ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। पहले ये 20 मार्च को आने वाली थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर्स ने डेट को आगे कर दिया है और 13 मार्च को रिलीज होगी फिल्म अंग्रेजी मीडियम।